ओम इवं जीवे व्यापरिधिं दधामि मयि साम्नुगाते अपरो अर्थम् एतत् शतं जीवन्तु शरदः पुरुचि अन्तः मृत्युं दधताम् पर्वतेन। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 15 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम इवम जीवेभ्यः परिधिं दधामि, इमम यह या इसको, इमम परिधिं इस परिधि को, जीवेभ्यः जीवों के लिए, दधाम धारण करता हूं, इस परिधि को जीवों के लिए धारण करता हूं। अब ये परिधि क्या है यह अलग से समझने का विषय हो सकता है। अब परिधि के शब्द को यदि समझने का प्रयास करेंगे, परि उपसर्ग और दी धातु का अर्थ धारण करना, जो परिता सर्वता सब ओर से धारण करे वही परिधि, जो सब ओर से धारण करे वो परिधि, या जिसको सब ओर से धारण किया जाए वो परिधि। परिधि के दो भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, शब्दार्थ एक ही, जो सब ओर से धारण करे वो परिधि और जिसको सब ओर से धारण किया जाए वो परिधि। व्यवहार में परिधि क्या है हम सब जानते हैं। व्यवहार में परिधि हम कहते ही उसे हैं जो घेरा है, सब ओर से घेरे हुए हैं, सब ओर से धारण किए हुए हैं, या कुछ ऐसा है जो सब ओर से उसको धारण किए हुए है, उसे को परिधि कहते हैं। कहते इस परिधि को जीवों के लिए धारण करता, जीवेभ्यः बहुवचन में है, जितने भी जीव हैं सबके लिए धारण करता हूं। यहां जीवों में कोई भेदभाव नहीं किया कि सब कुछ मनुष्य के लिए है बाकी सबको खा जाओ, ऐसा नहीं कहा गया है। ये भी नहीं कहा गया है कि किसी विशेष जीव की रक्षा करने के लिए अन्य जीवों को मार दो, ऐसा भी नहीं कहा गया है। ऐसे स्थलों पर थोड़ा ये विचार करना पड़ता है। वेद सामान्यता हमको जब जीवों की बात करता है तो सभी जीवों की बात करता है, किसी विशेष जीव चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई पशु प्राणी हो, किसी अपने धार्मिक संप्रदाय की मान्यता के अनुसार किसी के लिए कोई पशु विशेष विशेष पूज्य महत्वपूर्ण है तो बस उसको बचाओ और बाकी सारे पशु काट डालो, कोई बात नहीं। नहीं, वेद इसकी अनुमति नहीं देता। वेद के लिए तो सब समान है, मनुष्य भी और मनुष्य के अतिरिक्त जो पशु प्राणी है वो सब, वेद तो सबकी बात एक साथ करता है। बचाना है तो सबको बचाओ और विशेष परिस्थिति में मरणशील तो सभी है, मरना तो सबको एक दिन है, ये भी एक सत्य है, लेकिन वो सभी के लिए सत्य है, मरना भी और जीना भी। दधामि का अर्थ सामान्यता धारण करता हूं, धारण करने से ही ग्रहण करते हैं। वेद में बहुधा ये दधामि आदि का प्रयोग देने के अर्थ में भी करते हैं, अर्थात इसका एक अर्थ देना भी होता है। मैं इसे तुम्हारे लिए धारण करता हूं का भाव ये होता, भाई मैंने तुम्हारे लिए धारण किया है, ये मैं तुम्हारे लिए रखे हूं, लोग ले जाओ, भागे ले जाओ। लोग व्यवहार में हम लोग ऐसा करते हैं, हम आपके पास आए और आपने कहा रे भाई ये तो हम आपके लिए ही रखे हुए थे, आप आ गए, ये ले लीजिए। उसने कहा ये मैं आपके लिए ही धारण करता हूं, ये मैं आपके लिए ही धरे हूं, बस आप आओ और ले जाओ। तो धारण करने में ये देने का भाव निहित ग्रहण किया है विद्वानों ने वेद में अर्थ करते समय। एवं जीवेभ्यः परिधिं दधामि, इस परिधि को मैं जीवों के लिए धारण करता हूं। ये जो भी परिधि है पृथ्वी के स्तर पर कहें तो ये पृथ्वी की परिधि है, अर्थात ये संपूर्ण पृथ्वी, इसका अर्थ कर सकते हैं जिसे हम पृथ्वी की परिधि मान लें अपने सीमित बुद्धि के अनुसार। वैसे तो जब हम वेद की बात करें, परमेश्वर की बात करें, सृष्टि की बात करें तो संपूर्ण सृष्टि की पृथ्वी हो सकती है। समझने के लिए व्यवहारिक दृष्टि यदि आप इसे पृथ्वी की परिधि मान लें तो यही कह रहे हैं कि ये पृथ्वी की परिधि को हमने जीवों के लिए धारण किया है, ये पूरी पृथ्वी
सभी जीवों के लिए है। मा एसाम नुगात अपरोवर्थम एतम, नू निश्चय ही एतम यह है सर्वनाम है, अपरो अन्य ये भी सर्वनाम स्पष्ट है, अर्थम अर्थ के लिए, ऐसा इसको मा मत नहीं गात ले जाओ। मा का अर्थ यहां नहीं के अर्थ में ही है, मां नहीं एसाम इनका, एसाम इसको नुगात मत ले जाओ, अपरो अर्थम एतम इसको किसी और अर्थ के लिए किसी और उद्देश्य के लिए मत ले जाओ। कह रहे हैं हमने सभी जीवों के लिए इस परित को धारण किया है, इसको किसी और अर्थ में मत ले जाओ, अपने स्वार्थ के लिए इसका कोई अनर्थ मत करो। जो हम लोग सामान्यता वेद का पाठ अर्थ करते समय कहते हैं कि भाई अनर्थ मत करो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही संकेत कुछ करने का प्रयास हो रहा है। मैं ऐसा अनुगात अपरो अर्थम एतम इसको किसी अपर दूसरे अन्य अर्थ में मत ले जाओ। सीधी बात कह रहे हैं, ये परिधि सभी जीवों के लिए हमने धारण किया है, किसी और अर्थ में मत ले जाओ। सतम जीवंतु सरदा पुरुची, सतम सरदा जीवंतु सौ सरद तक जीवित रहें। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आया था कि वेद में जीवे में सरदा सतम, मैंने कहा तो बहुत बार बहुत मंत्रों में बहुत प्रकार से आया है, यहां भी आ गया। सरम सरदा जीवंतु सौ सरद तक जीवित रहें, ये भी शुभ कामना है, मंगल कामना है। जीवंतु जो कहा है अभी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा विधान वाक्य, ये वही है। पढ़त पढ़ता हूं पठंतु वाला, जीवंतु जीवे जीवित रहें, सतम सरदा जीवंतु सौ सरद तक जीवित रहें। सौ सरद तक हम जीवित रहें ये हमारी कामना है, सौ सरद तक हमें जीवित रहना चाहिए, एक भावना है, इच्छा है, सदिच्छा है, शुभकामना है किसी के लिए कि भाई सौ वर्षों तक जीवित रहें। पुरुचि, पुरुचि बहुत उपासना करते हुए, पुरु का अर्थ है बहुत, अव्यय उपसर्ग जो भी मान लें, और उच्च धातु का अर्थ भी कहना बोलना होता है। इसको सामान्यता विद्वानों ने अर्चना उपासना से अर्थ निकाला है, पुरुचि का अर्थ बहुत स्तुत करते हुए है। पुर धातु है, इसका अर्थ मुख्य होना, अग्रसर होना, उच्च धातु का अर्थ एकत्र करना, उच्च पद धातु का अर्थ कहना बोलना, अंच धातु का अर्थ गति करना, स्तुत करना, याचना करना, आदर करना, पूजना है, अच धातु का अर्थ गति करना है, अच का तो अंच में स्तुत करना भी है, उससे संभवतः ये पुरुचि का अर्थ बहुत स्तुत करते हुए, बहुत स्तुत करने वाले, इस प्रकार का अर्थ सामान्यता विद्वानों ने किया है और हमने भी उसे ग्रहण कर लिया है। पुरुचि का अर्थ हुआ बहुत स्तुत करने वाले, बहुत स्तुत करते। तो कहें सतम जीवंतु सरदा पुरुचि, हम सौ वर्ष तक जीवित रहें, बहुत प्रकार से स्तुत करते हुए जीवित रहें, हम वेद मंत्रों का पाठ स्वाध्याय करते रहें, इन मंत्रों से परमेश्वर की स्तुतियां करते रहें, इस प्रकार सौ वर्षों तक जीवित रहें, यह एक सदिच्छा व्यक्त की गई है। हम सबकी इच्छा हो सकती है कि हम दीर्घायु हों, दीर्घजीवी हों, सौ वर्ष जी लें, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वेद यही कह रहा है भाई, सौ वर्ष जीने की इच्छा है
ईश्वर की कृपा से 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ी बात है, सबको तो नहीं मिलती, कुछ ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनको 100 वर्ष की आयु होती है। तो शतायु होना अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद बड़ों का होता है। शतायु हो, शतम जीव, 100 वर्ष जीवित रहो, शतायु भव, 100 वर्षों की आयु हो, ये बड़ों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। कोई कोई सौभाग्यशाली प्राप्त भी कर लेता है। कहते हैं अंतः मृत्यु मृतताम पर्वते, क्या सुंदर बात है। आपके साथ ही मैं भी मंत्र पढ़ता हूं, कभी इसका भाष व्याख्या करते समय पढ़ा होगा। नित नवीनता आपके साथ पढ़ते हुए हमें भी अनुभव होती है। अंतः मृत्युम दधताम पर्वतेन, अंतः का अर्थ भीतर भी है और अंतः का अर्थ यहां स्वतः मेरे मन में आया अंत में, तो मृत्यु मृत्यु को दधताम धारण करें पर्वतेन। पर्वत के साथ पूर्णता के साथ, पर्वत का अर्थ पूर्णता से भी है और विभाग से भी है। पर्व धातु का अर्थ पूरा करना, भरना, पूर्ण करना, भाग करना, ये भी पर्वत अपने आकार प्रकार से ही पृथ्वी के अन्य संरचनाओं से भरा पूरा पूर्ण लगता है और पर्वत इस पृथ्वी के विभाग भी कर देता है। हिमालय के लिए किसी कवि ने कहा, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश। इसी हिमालय ने बांट दिया है, इधर भारत है उधर चीन है, प्राकृतिक विभाजन रेखा है। तुम लोग धरती पर और कोई रेखा मत खींचो। दोनों देशों के मध्य व्यवहारिक रूप से भी यही सहमति बनाई जाती रहे कि भैया हिमालय जब है तो किसी और रेखा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को मान लो। तो इस रूप में उसे विभाग भी माना जाता है कि पृथ्वी के मुख्य विभाग पर्वत तय कर देते हैं। आप सोचिए प्राचीन काल में इन पर्वतों को पार करना और भी कठिन था, अब तो इतने साधन है कि सरलता से लोग पार भी कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ विभाग के अर्थ में भी था। पर्व धातु का अर्थ पूर्ण करना भी है और विभाग करना भी है, जो पहले किसी विभाग का पूर्ण हो जाना भी है। इसी रूप में पुस्तकों के भाग भी पर्व कहे गए। महाभारत में 20 पर्व हैं, तो पर्व वहां विभाग के अर्थ में, एक प्रकरण एक विषय के पूर्ण हो जाने के अर्थ में भी कहा गया। कहते अंता अमृत तुम दधताम पूर्ण पर्वतेन, आप इसको कहें पर्वतेन अंता अन्वय कर दें तो कह सकते हैं पर्वत अर्थात उस पूर्णता के भीतर, उस पूर्णता को हम प्राप्त कर लें अपनी साधना से और उसके भीतर मृत्युम दत्ताम, इस मृत्यु को भी धारण कर लें। और अंतः यदि हम कहें कि अंत में इस मृत्यु को भी पूर्णता से धारण कर लें, प्राप्त कर लें, कितना सुंदर मंत्र है। वास्तव में ध्यान नहीं आ रहा है कि इस मंत्र का अर्थ भाष्य करते समय ये भाव आ पाया या नहीं। उस समय तो ये भी रहा होगा कि इस कार्य को पूर्ण करना है तो एक शब्द का अर्थ करो और आगे बढ़ो, अगला मंत्र करना है। आज आपके समझ करते समय जो भाव दिख रहा है इस मंत्र में, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रारंभ कहां से किया, ओम इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि, सब जीवों के लिए इस परिधि को धारण करता हूं। मा एषां नुगाते अपरो अर्थम एतद्, इसको किसी अन्य अर्थ में मत ले जाओ, किसी अन्य उद्देश्य से, किसी अपने स्वार्थ में इधर उधर मत ले जाओ। ये सब जीवों के लिए धारण किया है, सब जीवों के जीवन यापन के लिए इसे रहने दो। और शुभकामना कर दी, यहाँ कितनी बड़ी शुभकामना भी दी गई है आपको हमको, कि सकम जीवन तो सरदा पुरुचि, हम 100 शरद तक 100 वर्ष तक बहुत प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करते हुए जीवित रहें। और अंतः मृत्युम दधताम पर्वतेन, और अंत में पूर्णता के साथ उस मृत्यु
को भी प्राप्त हो जाए वह भी जीवन का सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, तो उसको जीवन से अलग क्यों मानना, उस मृत को भी जीवन का अंग माना गया। कहा ये प्रति सभी जीवों के लिए है, जीवन के लिए हंसो खेलो सब लोग, भरपूर जीवन जियो, 100 वर्षों तक जीवन जियो, और जिस उत्साह आनंद के साथ जीवन जियो, उसी उत्साह आनंद के साथ उस पूर्णता को परमेश्वर को स्तुत करते हुए, उसको प्राप्त करते हुए, अंत में इसी मुस्कुराहट, इसी आनंद के साथ, इसी प्रसन्नता के साथ मृत्यु का भी वर्णन कर लो। वेद का कितना सुंदर संदेश आज हमें प्राप्त हुआ। आज का समय, आज का मंत्र बहुत ही उत्तम हमको प्रतीत हुआ, बहुत सुंदर संदेश है। अब हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है एक कि इसका अर्थ तो बहुत सुंदर है, जो दूसरी लाइन है माँ ऐशाम नुगात अपरो अर्थम एतम, मुझे इसकी क्या जरूरत थी कि इसे अन्य अर्थ में ना ले जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये अपन गलत अर्थ में ले जाएंगे क्या? मतलब ये भाव मतलब इसमें नहीं थे क्या? अन्य अर्थ में मत ले जाओ, इसका क्या मतलब हुआ ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। जी जितना मंत्र का संदेश सुंदर है, आपका प्रश्न भी उतना ही सुंदर है, ये मैं स्वीकार करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद हमें जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शन देते हैं, जीवन के सभी पक्ष हैं। पूर्ण तो परमेश्वर है, जीव अल्पज्ञ है, हमारी चेतना बहुत सूक्ष्म है, बहुत लघु है। संसार में जो मारकाट आपाधापी है ये आज नहीं है, अभी भी थोड़े बहुत वन क्षेत्र बचे हुए हैं, मनुष्य की कृपा से ही सही। उन वनों में क्या हो रहा है? आदिकाल में मनुष्य भी उन वनों में अन्य पशुओं की भांति ही तो किसी कोने में रह रहा होगा। सृष्टि के नहीं तो इस मानव सभ्यता के प्रारंभ के समय की बात करें, वेद आदि ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, कहीं ना कहीं मनुष्य ने इस प्रकृति पर अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया था ना, कि हमने बसा लिया, ये एक वृक्ष ही तय कर लिया है किसी ने कि भाई ये वृक्ष तो आवास से मेरा, इस वृक्ष पर तो मैं ही रहूंगा, तू मत आना, तू कोई दूसरा ठिकाना देख ले। मान ले यदि घर बनाना नहीं भी सीखा हो तो वृक्षों पर अधिकार जताना तो सीखा। धीरे धीरे हमने घर बनाया, इतना क्षेत्र, इतनी भूमि मेरी, तू इधर मत आना, यहां मैं कुछ भी करूं। तो ये भावना जो धीरे धीरे आने लगती है, ये पशुओं में भी है। सिंह भी एक क्षेत्र निर्धारित कर लेता है, ये क्षेत्र मेरा, दूसरा सिंह आएगा तो उसे भगा देंगे या तो मार देंगे, और यदि वो शक्तिशाली हुआ तो इसको पराजित करके वो अधिकार कर लेगा। अभी भी वन क्षेत्र में पशुओं के मध्य ये चलता है, मनुष्यों में भी ये प्रवृत्ति है। वही वो कह रहा है, भाई ये संपूर्ण प्रति हमें, ये संपूर्ण परिधि, ये पृथ्वी की सारी परिधि हमने सब जीवों के लिए दी है, ये अपना पराया मत करना, ये छोटे छोटे खांचे मत बनाना, इसको किसी और अर्थ में, अपने स्वार्थ में मत ले जाना, ये स्वार्थ मत बांधना कि बस ये मेरा और ये तेरा, ये मैं मेरा तू तेरा का भाव मत लाना। वेद तो सबको एक समान लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं इसीलिए कोई वेद पढ़ता नहीं है। लोग पढ़ते वही सब हैं जिनसे उनकी ये पाशविक मनोवृत्तियां पुष्ट होती हैं। वेद तो कहेगा ये सब छोड़ दो, तो उन्होंने क्या कहा, बोले ये तो नहीं छोड़ सकते, हम वेद को ही छोड़ देते हैं। तो हमारे
आर्यों के वंशजों ने वेद ही छोड़ दिया, क्योंकि वो पशु प्रवृत्तियां तो छोड़ नहीं पाए जिन्हें छोड़ने के लिए वेद कह रहा था। तो निश्चित रूप से कह लीजिए, परोक्ष रूप से वेद ये चेतावनी दे रहा है कि आपके भीतर की ये जो स्वार्थ वृत्ति है वो आपको भटकाएगी, कृपया भटकिए नहीं। यही तो वो समझा रहा है कि ये पूरी पृथ्वी हमने सब जीवों के लिए दी है, सबको चैन से जीने दो, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, यही वैदिक संदेश है। और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये एक संकेत है, चेतावनी भी है, उनके लिए एक कह सकते हैं सीख भी है कि कृपया ऐसा न करें। आपने ठीक कहा, आपको बहुत बहुत नमन। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया है मृत्युम दधात पर्वतेन, तो उसको पर्वतेन शब्द मतलब पर्वत के समान दृढ़ता पूर्वक हम जीते हुए अपनी उम्र पूर्ण करके मृत्यु को धारण करें, ऐसा भी ले सकते हैं? आप कुछ भी ले लें, देखिए इसमें पर्वतेन अंतः तक का तो अन्वय हम स्वीकार कर ले, माने अन्वय में तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। अंतः, एक मेरे मन में भाव आया कि अंतः का अर्थ यहाँ पर अंत में तो न ग्रहण करें, जब मृत्यु की बात कर रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा। अभी मैंने कहा मुझे नहीं पता किस पुस्तक में छपा क्या है, लिखा क्या है, पहले मैंने ही लिखा हो भले ही, उसको मैंने अभी नहीं पढ़ा। तो उसने कहा जो जीवन का संदेश किया अंत में पर्वतेन अर्थात पूर्णता के साथ हम मृत्यु का भी वर्णन कर लें, एक निर्भय होकर के आनंदमय जीवन जीते हुए उसी आनंदमय प्रसन्नता की भावना के साथ वर्णन कर लें। आपने जो कहा वो शब्द अपनी ओर से जोड़े गए हैं, मंत्र में तो है नहीं, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, लेकिन जो शब्दशः निष्पक्ष अर्थ करने में हमें आनंद आ रहा है वो वास्तव में जोड़ करके उसमें कुछ और सजावट करने का प्रयास मुझे लगता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब जो अर्थ आपने पढ़ दिया तो शब्द अपनी ओर से जोड़े गए हैं, उसमें कुछ हानिकारक अनुचित तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना मंत्र में है उतना पर्याप्त है और बहुत सुंदर है मेरे विचार से। शेष जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद स्वामी जी। जी किसी और को कुछ कहना हो तो स्वागत है, बोल दें, अभी समय है तो बात कर सकते हैं। किसी की कोई बात नहीं होगी तो समापन की ओर बढ़ेंगे फिर। अच्छा जी, विषय से हट के मेरा एक प्रश्न है कि अभी एक महाराष्ट्र के मंत्री ने, भूतपूर्व मंत्री ने कुछ वक्तव्य दिया कि रामायण में उसने वो मतलब मंत्र भी कुछ बताया कि इस जो इस मंत्र में ये लिखा है कि रामचंद्र जी जो है मांसाहार करते थे। रामायण हमने संस्कृत वाली नहीं पढ़ी है, तो आपका ज्ञान इस बारे में क्या ये बात की सत्यता को प्रतिपादित करता है क्या? ये वो कहता था कि आप रामायण वाल्मीकि रामायण निकाले और अमुक अमुक मंत्र में ये बात लिखी है कि रामचंद्र जी जो है मांसाहार करते थे, ये थोड़ा सा बताए तो अच्छा लगेगा। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा कि ये विषय से हटकर है, दैनिक कक्षा में हम लोग उस मंत्र के ही चर्चा करते हैं जिस मंत्र पर अभी बात हुई है मुख्य रूप से, एक मर्यादा हम लोगों ने निश्चित की है, और अन्य प्रश्नों के लिए रविवार का सत्र रखा जाता है खुलकर चर्चा हो सके, क्योंकि ये विषय चर्चा में तो है बहुत है। अब इस पर चर्चा प्रारंभ की गई तो वो ऐसा प्रश्न नहीं है जैसे भी आपने प्रश्न किया हमने कह दिया और बात समाप्त हो गई, इस पर बहुत लोगों की बहुत बातें आएंगी और फिर एक घंटे का अलग सत्र हो जाएगा, इसमें समस्या ये है। उचित यही है कि वाल्मीकि रामायण देख लें वहां क्या लिखा है, तो बहुत कुछ समाधान तो हो ही जाएगा,
वाल्मीकि रामायण पुस्तक सुलभ है, गीता प्रेस गोरखपुर ने सस्ते में प्रकाशित कर दी है, मिल सकती है, और अब तो सब कुछ निःशुल्क पीडीएफ भी मिल जाता है जैसी सुविधा हो तो उसमें देख लें। और इसमें मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हम लोग पूर्वाग्रहों से बचें। वेद के विषय में हमारा ये कहना, बहुत लोग इस प्रकार के प्रश्न ले आते हैं कि भाई तो इसमें ऐसा क्या होता है, वेद में इस पर क्या कहा गया है। हमने कहा इस पर वेद में कुछ कहा भी गया है, आपने कैसे मान लिया? कोई आके बोले कि साहब मोबाइल में वीडियो कॉल करना चाहिए कि नहीं, इस पर वेद में क्या कहा गया है? हम कहे भैया वेद में मोबाइल के कोई उल्लेख है पहले ये तो पता कर लेते। इस तरह के प्रश्न भी हमारे पास आते रहते हैं, तो हमारा यही निवेदन है कि पहले तो इस पूर्वाग्रह से बचें कि कहां क्या है कैसे है। और यदि हमें वेद पर विश्वास है तो यदि वेद में कहा गया होगा तो हम मान लेंगे, ये भावना रखते हैं। जो हम चाहते हैं वो वेद में खोजा जाए ऐसा ना माने। हमने एक छवि बना रखी है वेद के विषय में, धर्म के विषय में, राम के विषय में, किसी के विषय में, और उसके विपरीत यदि कोई कुछ कहता है तो बिना ये जाने सत्य क्या है हम उस पर एक धारणा बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ठीक है या नहीं है। तो यदि किसी ने ऐसी कोई बात कही है कि रामायण में ऐसा है तो रामायण उठाकर पहले देखिए और देखिए वहां किस प्रसंग में किस संदर्भ में क्या कहा गया है। हो सकता है वो बिल्कुल असत्य कह रहा हो, वहां ऐसा कुछ हो ही ना, और हो तो कहा किस प्रसंग किस संदर्भ में है। और मैं एक बात यहां ये दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राम मांसाहारी थे तो क्या हुआ? यदि उस समय की परिस्थिति के अनुसार किसी विशेष उसमें जो भी मान लीजिए, यदि राम ने मांसाहार किया भी हो तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सबके सब केवल मांसाहार करने लगे क्योंकि राम को मानते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि यदि राम ने कभी मांसाहार किया था तो उनके सारे अच्छे कार्यों को भुला करके हम केवल राम की निंदा करने लगे कि साहब राम तो मांसाहारी थे, ये भी ठीक नहीं है। मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूं, विस्तार से चर्चा रविवार को रखी जाएगी तो अच्छा रहेगा। ओम ठीक, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भाई सापुत्र जी। हाँ भैया, अथर्वेद कांड 12 सूक्त 2 यहाँ पर क्रव्याद्नि कह करके मांस भक्षण का विरोध किया। ठीक है, फिर आज के इस सत्र को विराम देते हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ बोलिए सूरज जी, कुछ कह रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ भैया, मैं ये कह रहा था कि अथर्वेद कांड 12 सूक्त 2 इसमें मांस भक्षण का खंडन किया गया है, कृपया उसको देख लीजिए। अथर्वेद कांड 12 सूक्त 2। हाँ सूरज जी, कुछ कह रहे थे आप भी क्या? तो ठीक है, फिर आज के सत्र को यहां विराम देते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।